Hello. What's your name? Maragos. Hello. ना ही तो मैं इटली के अंदर हूँ और ना ही मैं ग्रीस में हूँ। गुड इवनिंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हाँ जी, मैं हूँ अभी जॉर्डन में और एकदम से कंट्री चेंज हो गई, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जब हम तजाकिस्तान में थे ना, हमारे प्लान्स यूँ चेंज हो रहे थे। स्टार्टिंग में प्लान था कि हम पामिर जाएंगे, लेकिन ब्रैंडन भाई को थोड़ा डर लग रहा था तो उस कारण से पामिर वाला जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। उसके बाद हम किर्गिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गए थे, लेकिन उस दिन वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा था मेरा और इस कारण से तजिकिस्तान की सिर्फ 3 वीडियो बन पाई। उसके बाद मैं आ गया दुबई। दुबई में मैंने अपना वैक्सीन का सबसे पहला शॉट लिया। वैक्सीन का शॉट मैंने लिया था 2 तारीख को और 3 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी। तो वैक्सीन का शॉट लेने के कारण जो मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और इसी कारण से मैं दुबई से अमान तक की वीडियो नहीं बना पाया। अमान जॉर्डन की कैपिटल। बाकी आप जो नीचे देख रहे हो ये है एक रोमन थिएटर। ऊपर रह गई रोमन सिटाडेल। सिटाडेल बोले तो उस टाइम का आप किला बोल लीजिए, जो मेन बिल्डिंग होती थी पूरे सिटी की। एक टाइम पर रोमन एम्पायर जॉर्डन के ऊपर भी राज करती थी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अरब वर्ल्ड के अंदर आया हूँ। हाँ, दुबई भी अरब वर्ल्ड में आता है, लेकिन दुबई को मैं अरब वर्ल्ड के अंदर कंसीडर नहीं करता हूँ। जॉर्डन में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ लगभग 10 से 15 दिन। आज हूँ मैं अमान के अंदर और कल मैं निकल रहा हूँ सीरिया और इसराइल बॉर्डर की तरफ नॉर्थ में। अमान को मैं एक्सप्लोर ढंग से बाद में करूँगा। ये एकदम पूरा रोमन आर्किटेक्चर। जॉर्डन इज़ ए टोटली प्योरली इस्लामिक कंट्री और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ अरेबिक। बाकी यहाँ पर 95% आपको मुस्लिम लोग मिलेंगे और बाकी जो रह जाते हैं दैट इज़ क्रिश्चियनिटी। मेन यहाँ पे 2 ही रिलीजन है। जो जॉर्डन की कैपिटल है अमान, ये एक अजीब तरीके के पहाड़ों पर बसी हुई है। कभी वैली आ जाती है, कभी माउंटेन टॉप, कभी वैली, कभी माउंटेन टॉप। अलग टाइप की सिटी है। आज से पहले मैंने इस टाइप की कोई भी सिटी नहीं देखी थी। और मेरे को ज़्यादा वाइब्स इंडिया टाइप की आ रही हैं। दुबई से मैंने फ़्लाइट ली थी जॉर्डन एविएशन की, जिसके लिए मैंने पे किए थे 10,000 रुपये। जो वीज़ा के लिए मैंने पे किए थे 78 JD। 1 JD इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़। तो 7,800 रुपये का मैंने वीज़ा लिया था, जिसके अंदर जॉर्डन पास लिया था मैंने, जिसके अंदर वीज़ा भी इंक्लूडेड था और जॉर्डन के अंदर जितनी भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उन सब की पेमेंट मैंने एक साथ ही कर दी। तो जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पर वो एक QR कोड स्कैन करेंगे और मुझे एंट्री मिल जाएगी। और मज़े की बात, जॉर्डन के अंदर अल्कोहल अलाउड है। मैंने कम से कम अभी तक 3 या 4 शॉप्स देख लिया जो मैंने यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन गुड जॉब जॉर्डन। और जॉर्डन में पहले ही दिन मेरे साथ एक टैक्सी वाले ने स्कैम ऑलमोस्ट कर ही दिया था। लड़ाई हो गई थी मेरी एक टैक्सी वाले के साथ। तो यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है अमान सिटी से। और एयरपोर्ट से यहाँ आने के लिए या तो आप बस ले सकते हो या फिर आप डायरेक्टली टैक्सी लोगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। तो मैंने चूज़ किया बस लेना। तो बस ने मुझे बस स्टैंड पर उतार दिया जो मेरे हॉस्टल से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। और फिर बस स्टैंड से मैंने टैक्सी ली। उस टैक्सी को पकड़ने में मेरी एक लोकल बंदे ने हेल्प की थी और उस भाई ने मुझे बोला था कि आप इस टैक्सी वाले को 2 JD देना, मतलब 200 रुपये 400 किलोमीटर के लिए। मैंने ठीक है भाई, कोई बात नहीं, टैक्सी वाले से सारी बात हो गई। तो जैसे ही हमने बस स्टैंड को छोड़ा, टैक्सी वाला मेरे को बोलता है कि भाई ये VIP टैक्सी है, तेरे को इसके लिए थोड़े ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। मैं बोला ठीक है भाई। वो बोलता है, फिर मैंने उससे पूछा भाई कितने, बोलता कि टैक्सी मीटर पर चलती है। मैं कोई बात नहीं यार, 2 के 3 JD बन जाएंगे, 300 रुपये हो जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन जैसे ही टैक्सी वाला भाई मुझे उतारने लगा, उसने मेरे से बिना पूछे मीटर बंद कर दिया और उस टाइम पर मीटर के ऊपर कोई रीडिंग नहीं आ रही थी। बाद में बंदा बोलता है कि आपका टोटल बिल 10 JD हो गया, यानी 1,000 रुपये।
मैं भाई ये क्या कर रहा है, अपनी बात 2 JD में हुई थी, उसके बाद तूने बोला VIP टैक्सी में कोई बात नहीं, मैं 3 JD मैक्सिमम बन जाएंगे। बोलता नहीं 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 नहीं, फिर बाद में बोलता है कि यू इंडियंस नेवर पे ब्ला ब्ला, वो बकवास करना स्टार्ट हो गया। उसको इतनी अंग्रेजी आती थी, बोला भाई अगर तूने ये वाली बात बोल दी है ना कि इंडियन ऐसा करते हैं, तो मैं अब तेरे साथ ऐसा ही करूँगा। मेरे पास 3 JD खुले पड़ते हैं, मैंने उसको फेंक के मारे। फिर बाद में गुस्सा आके वो पैसे वैसे फेंकने लगा। मैं भाई कुछ भी कर ले, मैंने गालियाँ वालियाँ भी दे दी, हिंदी वाली अपनी एकदम। अरे बकवास कर रहा है भाई। फिर जैसे ही मैं टैक्सी से उतरने लगा ना, एकदम भगाने लगा वो, भाई रुक जा। मैं फिर मैंने फ़ोन वो निकाल के फ़ोटो लेने की कोशिश की ना, तो वो चुपचाप हो गया और फिर मैं ढंग से टैक्सी से उतरा। आज तक कभी भी किसी भी कंट्री के अंदर इतना गंदा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था मेरे साथ। जॉर्डन के अंदर थोड़ा सा मुझे एडजस्ट होने में 1 या 2 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट लेवल मज़े तो जब आएंगे जब मैं इजिप्ट जाऊँगा, क्योंकि इजिप्ट इज़ अ कंट्री ऑफ स्कैम भाई। इतने दबा के स्कैम होते हैं ना वहाँ पर, अगर आप भाई वही बात है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और बाकी कल मैंने एक सिम कार्ड भी परचेज़ कर लिया, 18 JD यानी 1800 रुपये में मुझे 20 GB डेटा मिला है, अनलिमिटेड कॉलिंग है, लेकिन कॉलिंग मेरे कोई काम की नहीं है। तो जैसे ही आप सेंट्रल एशिया से अरब कंट्रीज़ में आओगे, तो थोड़ा बहुत आपको कल्चरल डिफरेंस मिलेगा। और ख़ास करके भाई, एक तो पहली बात, अरब लोग पुराने बिजनेसमैन ठहरे, तो उनको पता है कि आपकी जेब से पैसा कैसे निकलवाना है। एडजस्ट होने में थोड़ा बहुत मुझे टाइम लगेगा, लेकिन 2 या 3 दिन बाद मैं एकदम नॉर्मल हो जाऊंगा। लेकिन अब मैं चप्पल ढूंढ रहा हूँ। कल दिन में भी मैं बहुत देर तक चप्पल ढूंढता रहा, लेकिन मुझे नहीं मिली। और जो मिली भाई, रद्दी सी चप्पल 800-900 रुपये। तो भाई 800-900 रुपये में तो इंडिया में बाटा की चप्पल आ जाती है अच्छी वाली। और यहाँ पे एकदम वो चाइना वाली नहीं होती, मतलब एकदम रद्दी क्वालिटी, वो मुझे बंदे 5 JD 6 JD। चप्पल ढूंढना भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है मेरे लिए। हेलो, व्हाट्स योर नेम? नुआरबे। हेलो नुआरबे। दुकान? यस। वेयर? ओके, थैंक यू। कुछ ज़्यादा ही दादा बोल लिया अभी मेरे मुँह से, है ना, दादा ही निकल रहा है, दादा दादा, रशियन वाला एकदम। प्लीज़ वहाँ पे जाके ना मुझे चप्पल मिल जाए, नहीं यार दिमाग ख़राब हो रहा है। चप्पल होगी अलादीन का खजाना हो गया, जो मिल ही नहीं रहा है। Left. Okay. Here no. No. Okay. Thank you. यार चप्पलें नहीं मिल रही हैं भाई। वहाँ भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं मिलेगी, आपको ना दूसरी गली में जाना पड़ेगा। क्या सीन है, आगे लोग चप्पल नहीं पहनते क्या? हाँ, ये जो अंकल जी ने चप्पल पहनी हुई है ना, ये वाली तो बहुत दुकानदार बेच रहे हैं मेरे को। लेकिन अंकल जी की चप्पलों में करूँगा क्या मैं? पहले इतनी भारी होंगी और मैं नहीं चाहता कि मेरा बैकपैक भारी हो। Same this? No, not same, but like this. Slippers. Yeah. There. Yes. Okay, shoe please. Yeah. Thank you. Yeah. Finally, एक भाई के पास चप्पल 43 है। बिलाल भाई के दुकान में जाके आखिर में मुझे चप्पल मिल तो गई। पूरे मार्केट का चक्कर काट लिया था यार मैंने। यार क्या पूरे जॉर्डन में चप्पलों की कमी हो रखी है क्या? अभी है ना मुझे यहाँ से थोड़ी अजीब सी वाइब्स आ रही हैं, वियर्ड टाइप। ना मैं उन्हें अच्छी बोल सकता हूँ, ना मैं उन्हें गंदी वाइब्स बोल सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके पीछे शायद ये कारण हो सकता है कि मैं फर्स्ट टाइम हूँ कि मैं अरब वर्ल्ड के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। अब मुझे ATM ढूंढना है ताकि मैं पैसे निकलवा सकूँ। और जब मैंने एयरपोर्ट से पैसे निकलवाए थे ना, 10,000 रुपये निकलवाने पर यहाँ के जो बैंक हैं उन्होंने 400 रुपये चार्ज किए। मेरे यार एक ATM दिख तो रहा है, रुको इसी ATM में ट्राई करके आता हूँ मैं। प्लीज़ यार ज़्यादा चार्ज मत करना। अंग्रेजी कितना निकलवाऊँ? 180। एन अमाउंट ऑफ 3.5 JOD विल बी एड टू द अमाउंट। ये 350 रुपये मांग रहे हैं। कोई नहीं, अब यही चाह रहा है, क्या कर सकते हैं। 18,000 रुपये निकलवाए मैंने। अबे निकल जाओ। तो ये है 1 5,000 का नोट है, ये 50।
वन जे डी इक्वल्स टू 100 रुपीज। ज़्यादा दिखाते नहीं है, कार्ड ले लिया ना मैंने, कहीं बाद में लूल हो जाए। 350 रुपये तो कमीशन ही कट गई। थोड़ा एक्सचेंज रेट आपको मैंने गलत बता दिया था, 1 JD इक्वल्स टू 106 रुपीज़, 106 रुपये की वैल्यू है। और अब मुझे ढूंढनी है खाने के लिए जगह। बाकी यहाँ का जो खाना है ना वो बहुत अच्छा लगा मुझे। खाने के मामले में आई थिंक अरब फूड इज़ लिटिल बिट बेटर दैन सेंट्रल एशियन फूड। बाकी 2-3 महीने से सोवियत कंट्रीज़ में घूम रहा था ना, तो उस कारण से रशिया का रंग चढ़ा हुआ है दिमाग के ऊपर अभी, और उस रंग को जाने में कम से कम 2 या 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बकवास ज़्यादा ना करूँ, दा दा टाइप। पता है आज जब मैं एक दुकान पे खड़ा तो अपने आप दा 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 खरोशो खरोशो स्पासीबा। मैं भाई क्या हो रहा है, तेरा दिमाग ख़राब है। ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पर मैं पिछले 2 दिनों से खा रहा हूँ, अबू जबारा। ब्रदर दिस वन, यस, लेस ऑयल। एक तो तगड़ी भूख लगी हुई है क्योंकि सुबह से सिर्फ मैंने एक शोरमा खाया था। बाकी इन अरब कंट्रीज़ के अंदर आपको शोरमा दबा के मिलेगा, चाहे कहीं पे भी चले जाइए। जिस दिन मैं आया था ना, रात को पहुंचा था मैं, उस टैक्सी वाले के साथ भसड़ होने के बाद हॉस्टल गया। फिर भूख तो लगी हुई थी क्योंकि फ़्लाइट के अंदर कुछ मिला नहीं था, 10,000 की फ़्लाइट में सिर्फ उन्होंने पानी का गिलास दिया था एक। तो हॉस्टल से निकला खाना खाने, लगभग 100 मीटर चलने के बाद ही एक शोरमा का रेस्टोरेंट था। और भाई लगभग यूँ मान लीजिए कम से कम 4 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा वो चिकन का स्लैब था, वो पूरा लटका हुआ था, वो बार बार ऐसे घूम रहा था। मैं भाई साहब आज से पहले मैंने इतना बड़ा चिकन का स्लैब शोरमा वाला कभी नहीं देखा था। दुबई में भी देखे थे, सेंट्रल एशिया में भी देखे थे, लेकिन जॉर्डन के अंदर जितने शोरमा के आउटलेट्स हैं भाई साहब नेक्स्ट लेवल सीन है। और यहाँ पर अभी मैं खाने वाला हूँ हमस, हमस के साथ चिक पीस। तो हमस क्या होता है, हमस एक अरेबिक फूड है, जो छोले होते हैं ना काबुली छोला, उसको पीस पीस के उसकी एक चटनी से बना देते हैं और उसी के ऊपर चिक पीस डाल देते हैं, मतलब कि चटनी के अंदर भी वापस से ऊपर चिक पीस। व्हाट यू कॉल इट ब्रदर, व्हाट्स द नेम? फूल 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 हमस, आल्सो नो हमस इन दिस वन, फूल हमस, फूल हमस, हमस लिटिल बिट। ये नो मीट, नो मीट या वेजिटेरियन या? ये वो बता रहा था ना आपको पिकल्स, ये अरेबिक ब्रेड और ये फूल, इसके अंदर थोड़ी बहुत हमस मिलाई हुई है। एकदम प्योर वेजिटेरियन खाना है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लगभग पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हमस बहुत ज़्यादा फेमस है। और मुझे हमेशा लगता था कि हमस के अंदर कुछ ना कुछ मीट होता होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला, बेसिकली मुझे अनु ने बताया कि हमस के अंदर मीट नहीं होता है, और मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। ये दो छाछ, यहाँ पे इसे बोलते हैं शनीना, दो शनीना। वैसे मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ लेकिन थोड़ी फूड ब्लॉगिंग हो जाए। पहली बाइट अरेबिक ब्रेड फूल, ये पिकल बड़े प्यारे लगते हैं मेरे को, विनीगर में डुबाई हुई चिली, ककम्बर, मूली और ये ककड़ी। ब्रदर नेम शनीना, 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 इन इंडिया वी कॉल छाछ। भाई दबा के खा लिया और ढकार आने वाली है। और अभी मैं एक बार पेमेंट करके आता हूँ। खाने के लिए मैंने पे किए 2.3, लगभग 230 रुपये। यहाँ पे ना जो करेंसी है वो ज़्यादा कैरी नहीं करनी पड़ती आपको, जैसा सीन उज़्बेकिस्तान में था कि आपको बहुत ज़्यादा नोट कैरी करने पड़ते थे। लेकिन जॉर्डन में क्या प्रॉब्लम है, आपको सिक्के बहुत ज़्यादा कैरी करने पड़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एक पानी की बोतल ख़रीदनी है, पानी की बोतल आएगी लगभग 0.3 जॉर्डनियन दिनार की, 30 रुपये के लगभग। तो जो 0.7 है ना उसके आपको सिक्के मिलेंगे, और उस सिक्के फिर आप भरते रहो जेबों में। नोट ज़्यादा कैरी नहीं करोगे लेकिन आपकी जेब सिक्कों से भर जाएगी। जिन कंट्रीज़ की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ पर आपको सिक्के ज़्यादा कैरी करने पड़ते हैं। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। मुझे लगा ठोक देगा।